सो खुशरी खाने के बाद हमारी टूर गाइड हमें लेके आई एक पपायरस बनाने वाली जगह है, फैक्ट्री में। एक्चुअली ये हर टूर में आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ये एक्चुअली कमीशन का खेल है, लेकिन ठीक है अब आए हैं तो एक बार घूम लेते हैं। एक मैंने ये दो पपायरस यहाँ से लिए हैं और उस पर मैं अपनी और अपनी फैमिली का नाम होलोग्राफिक जो इनकी लैंग्वेज है उसमें मैं लिखवा रहा हूँ। थोड़ा कॉस्टली पड़ा लेकिन ठीक है, अब आप टूर करने आए हैं, नई कंट्री में आए हैं तो कुछ तो यहाँ लेके जाना बनता है। और इसने ये बोल दिया ये अच्छा है, गुड लक है, ये है वो है, तो ठीक है मैंने फिर दो ले लिए। ये गोल्डन कलर से इस पर इनके लेटर्स में लिखते हुए फाल्कोन, और ये माउथ जिसने अरविंद लिखा है। ये तकरीबन दो पपायरस जिनको ये कहते हैं या क्लेम करते हैं कि ये जेन्युइन है, मुझे करीब 6000 रुपये के दो पड़े हैं। हालांकि ये सेम ओल्ड कार में मुझे 500-700 रुपये में मिल जा रहा था, लेकिन इनकी जो फिनिशिंग और उनकी जो फिनिशिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर आप कायरो हैं और ये लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी डंकी जगह से ही लें, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। इसके साथ साथ आप इनका एक ऑथेंटिक जो लेटर या सर्टिफिकेट भी लेना ना भूलें। कई बार कस्टम वाले उस चीज़ को पूछ लेते हैं, डिमांड करते हैं। तो अभी मैं हूँ इस रेस्टोरेंट में और खाना आया हूँ खुशरी, मीडियम साइज़ का ऑर्डर किया है, लगभग 50 इजिप्शियन पाउंड, कोक और ये है कुछ खुशरी, ये पता नहीं चटनी कुछ है, और ये साथ में है चटनी और पता नहीं क्या क्या है, खा लो जो भी है भाई, वेज ही मिला मेरे को। अभी हम लोग आए हैं कॉप्टिक कायरो या ओल्ड कायरो के अंदर, और अभी हम लोग हैं हैंगिंग चर्च के अंदर। ये देखिए, ये है जोसेफ, घोड़े पे मदर मैरी और गोद में जीसस क्राइस्ट। इसे हैंगिंग चर्च के नाम से भी जाना जाता है, बहुत पुराना चर्च है ये, और यह जो है रोमन स्टाइल में बना हुआ चर्च है। जब होली फैमिली इजिप्ट में आई थी तो उन्होंने यहाँ शरण ली थी। इसकी कहानी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। पूरा चर्च ये जो है एलाबास्टर और वुडन से बना हुआ है, और ये पुराने जो दो कॉलम्स हैं ये रोमन स्टाइल के हैं, इन्हें यहाँ रीयूज़ किया गया था। एंटर करते हैं, आपको यहाँ पर कई पुराने चर्चेज और क्रिश्चियन की यहाँ दुकानें आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली इस एरिया में क्रिश्चियन भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और मजे की बात यह है कि कायरो के अंदर क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में एक बहुत अच्छी हारमोनी, बहुत अच्छी एक ट्यूनिंग है। यहाँ उनको एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने अपने धर्मों का सम्मान करते हैं, साथ में दूसरों धर्मों को भी वो लोग मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पिलर है जिस पर हैंगिंग चर्च पूरा खड़ा है,
किंग चर्च के बाद अब हम लोग जा रहे हैं काविन चर्च के अंदर। एक पतली सी सुरंग से होकर हमें निकलना होता है। देखिए बहुत सही लुक आता है यहाँ का यार। और इंस्टा पर आपने कई फ़ोटो इस जगह के लिए भी देखी होगी। ये एक यहाँ का बहुत फेमस लैंडमार्क बन चुका है। यहाँ के लोग पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। आपको बहुत अच्छी अच्छी और पुरानी बुक्स यहाँ पर बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगी। यहाँ पर कई सुविनियर शॉप्स भी हैं। ये देखिए पूरी ये जो छोटी सी पतली सी गली है ये बुक से भरी हुई है। हर टाइप की, हर जगह की, हर टेस्ट की बुक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो हम ये गलियों से होते होते एक कार्विन चर्च आ पहुँचे हैं। छोटा सा चर्च लेकिन बहुत सुंदर बना हुआ, एकदम अलग आर्किटेक्चर का है ये। मोस्टली वुडन डेकोरेटेड है। यहाँ पे आपको कई आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए छोटा सा सुंदर चर्च, एकदम पीसफुल। और अभी इस कोरोना का टाइम पे यहाँ इतना कोई रश भी नहीं था। ये कैंडल स्टड, यहाँ आप विश मांग कर एक कैंडल जला सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो आप विश मांगते हैं वह पूरी होती है। सो अपने भी हज़ारों ख्वाहिशें हैं, एक ख्वाहिश अपन भी यहाँ मांग लेते हैं। सो ये जो पॉट है, इस पॉट के अंदर होली वाटर डाल दिया जाता है। और जो भी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उन बेबीज़ को इसमें डिप कर उस होली वाटर से उनका प्योरिफिकेशन किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बैप्टिज्म बोलते हैं। सो अब हम चलते हैं इस चर्च के सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर। ये जाता है बेसमेंट की ओर में। ये देखिए पूरा वुडन का बना हुआ है। एक्चुअली ये वही जगह है जहाँ पर होली फैमिली का मतलब है जोसेफ, मदर मेरी और जीसस क्राइस्ट, जो उस टाइम एक बेबी हुआ करते थे। वो जब राजा ने उनको मारने का आदेश दिया था तब वो इजिप्ट में भाग के आए थे। और इसी जगह पर उन्होंने तकरीबन 3 महीने का समय निकाला था। वो यहाँ छुपे रहे थे उस राजा से बचने के लिए। और जब ये सब मैटर सॉर्ट आउट हुआ तब वो कुछ लोकल लोगों की मदद से बाहर निकल पाए थे, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का मानना है। तो देखिए यही वो जगह है जहाँ होली फैमिली ने शरण ली थी 3 महीनों तक। सो ये मैप है, इस मैप में बताया गया कि होली फैमिली बाय जोसेफ, मदर मेरी और जीसस के साथ साथ होते हुए इजिप्ट में आए थे। ये पूरा मैप वही है। बस इसके साथ ही हमारा यह दिन ख़त्म हुआ और यह वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घुमाऊँगा गीज़ा मेट्रो और ओल्ड कायरो।